जो कल हिंदू नववर्ष के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं उसके लिए खड़के और धोती ले ली हैं बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल की शोभा यात्रा में। साथ ही मोहित भाई हमारे झंडों का प्रबंध करके आ चुके हैं जय श्री राम की, तो अब कल मिलते हैं आपसे शोभा यात्रा के समय। जय श्री राम भाइयों। तो हिंदू नववर्ष पे जो शोभा यात्रा निकलने जा रही है उस शोभा यात्रा के लिए हमने परमिशन लेटर टाइप कर लिया है जो हम SDM साहब और ACP साहब को देंगे उस पर सिग्नेचर करने के लिए, और उसके बाद शोभा यात्रा की तैयारियाँ शुरू की जाएंगी। जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों। जय श्री राम। आप सभी को सनातन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके शहर गन्नौर में सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा एक यज्ञ आयोजित किया गया है और जिसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसको लगभग 10 से 12 गांवों से होकर ले जाया जाएगा, और इसी के साथ ये यज्ञ शुरू करते हैं और उसके बाद शोभा यात्रा में मिलते हैं आपसे। जय श्री राम। जय श्री राम। यज्ञ संपन्न होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने झंडे तैयार किए ताकि उनको शोभा यात्रा में उपयोग किया जा सके, जिसके बाद शोभा यात्रा आरंभ हुई जिसमें 400 से 450 युवाओं ने भाग लिया जो लगभग 8 से 10 गांवों से होते हुए पिपलीखेड़ा पहुंची थी, जहां पर कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए खड़के और धोती भेंट स्वरूप दी और सनातन नववर्ष के ऊपर संबोधित किया। जय श्री राम। जय श्री राम। माता की जय। माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम हिंदू एकता जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद। अपने जो सबसे विशिष्ट हैं अपने साधक नमन करता हूँ, और आज एक आपके चरणों में प्रार्थना है कि जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उनके सम्मान में आज हम एक धोती कुर्ता खंडके से उनका सम्मान करना चाहते हैं ताकि जो हमारी हरियाणा की संस्कृति रही है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव।